नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल इजी आर्ट ट्यूटोरियल में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोस के आगे आने वाले अपडेट्स आपको आसानी से मिलते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है फ्लावर पॉट की ड्राइंग को बनाना सिखाया है और पूरे डेमोंस्ट्रेशन को देखिएगा अच्छे से। यहाँ पर दोस्तों, पहले स्टेप में हम लाइन को ड्रॉ करेंगे, मार्जिन लाइन को ड्रॉ करेंगे पेपर के सेंटर में, और 4 लाइन डिवीजन करके फाइनल आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे सेकंड स्टेप में। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे ये फाइनल आउटलाइन ड्रॉ कर दी है। साथ ही हमें फ्लावर पॉट के माउथ को थोड़ा सा छोटा रखना होगा। अब जितने भी एक्स्ट्रा ब्लॉक लाइंस हैं, ब्लॉक्स हैं, उनको हमें मिटा देना है, इरेज करके ड्राइंग को अच्छे से क्लियर करके विजिबल दिखाना है कि ड्राइंग हमारी दिखे इसमें अच्छे से। और ब्लेंडिंग के साथ साथ आउटलाइन को ब्लेंड करके शेडिंग स्टार्ट करनी होगी। फर्स्ट लेयर से हम शेडिंग स्टार्ट करेंगे दोस्तों, लाइट और शेड के मेथड को फॉलो करते हुए। जहाँ पे हमें एरिया ज़्यादा लाइट रखना है ड्राइंग में, उस एरिया को हम वाइट छोड़ देंगे। और दोस्तों, यहाँ हमें 2B की जो पेंसिल होती है उससे शेड करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट लेयर हम 2B की पेंसिल से लाइट शेड करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको वीडियो में एक बात बता दूं क्लियरली, और इस नियम को हम सभी को फॉलो करना चाहिए, ये मस्ट होता है कि दोस्तों, अगर हमारी शेडिंग तभी अच्छे से मिक्स हो पाएगी, तभी हमारी एक आइडल शेडिंग होगी ड्राइंग में, जब हम ड्राइंग में जो पेंसिल का जो टेक्निक है, हैंडल करना, मूव करना पेंसिल को, स्ट्रोक्स देना पेंसिल से शेडिंग का, वो स्ट्रोक्स अगर हमारे सेम डायरेक्शन में जाते हैं, लाइक हम लोग अगर लेफ़्ट डायरेक्शन में शेडिंग कर रहे हैं या राइट डायरेक्शन में, तो एक ही डायरेक्शन में शेड करिए, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं। क्योंकि अगर हम शेड अच्छे से करेंगे तो हमारी ब्लेंडिंग भी अच्छे से होगी और शेडिंग मिक्स भी अच्छे से हो जाएगी, जिससे हमारी ड्राइंग में रियलिस्टिक लुक अच्छे से आएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने 2B की पेंसिल का यूज़ करने के बाद 4B की पेंसिल से मैंने यहाँ पे शेड किया था, उससे थोड़ा डार्क, फिर 6B से, फिर 8B से हम यहाँ शेड करेंगे, थोड़ा ज़्यादा डार्क दिखाने के लिए ड्राइंग में। वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने ब्लेंडिंग कैसे की है पूरे ड्राइंग में। अब जहाँ जहाँ हमें हाईलाइट करना होगा ड्राइंग को, वहाँ वहाँ हम इरेज़र से भी यूज़ करके इरेज़र का ड्राइंग को हाईलाइट कर सकते हैं फ्रेंड्स। पॉट पे जो धारियाँ बनी होती हैं उसको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डार्क पेंसिल का यूज़ किया है, 8B पेंसिल का यहाँ पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट करके इसको ब्लेंड कर दिया है ड्राइंग को। और फ्लावर पॉट के इनर पार्ट को ज़्यादा हमने लाइट शेड किया है। अब दोस्तों, हम बैकग्राउंड की तरफ बढ़ते हुए बैकग्राउंड को शेड करेंगे। जैसा कि मैंने बताया है अपनी हर शेडिंग ट्यूटोरियल में ड्राइंग में, कि जो मेन ऑब्जेक्ट होता है अगर वो डार्क है तो उसका बैकग्राउंड हमें लाइट शेड करना होगा, अगर लाइट है तो बैकग्राउंड डार्क शेड करना होगा। जिधर जिधर डार्कनेस की डिमांड हो वहाँ हमें वैल्यूज़ को डार्क रखना है। आप देख सकते हैं वीडियो में, जैसा मैंने वीडियो में डेमोंस्ट्रेट किया है, बिल्कुल इसी तरह आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर शेडिंग से रिलेटेड कोई ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे DM कर सकते हैं, और
किस तरीके से और क्या-क्या चीज़ें आपको आर्ट के बारे में पूछनी है वो मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों हर संडे मैं लाइव सेशन अपना स्टार्ट करती हूँ ड्राइंग ट्यूटोरियल का अपने इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग अगर मुझे उधर ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं इस संडे। और दोस्तों अगर आपको शेडिंग से रिलेटेड और भी अच्छे से जानकारी चाहिए तो आपको मैंने शेडिंग का एक ट्यूटोरियल जो था अपने पिछले वीडियो में शेयर किया था, पिछले वीक मैंने वीडियो डाला था, तो आप लोग उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। अभी हमारी ड्राइंग तैयार है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए धन्यवाद।